बच्चों में नवाचारी सोच विकसित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शासकीय विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब संचालित की जा रही है। इन लैब्स में छात्र छात्राएं अपने स्वयं के आइडिया से वैज्ञानिक मॉडल बनाते हैं और अपनी कल्पनाओं को पंख देते हैं। टीकमगढ़ में किस तरह सरकार की यह पहल कारगर सिद्ध हुई है, देखते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। वैज्ञानिक नवोन्मेष और नवाचारी कल्पनाओं को पंख देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना अनेक विद्यालयों में करवाई गई है। टीकमगढ़ जिले के नवोदय विद्यालय में भी अटल टिंकरिंग लैब संचालित की जा रही है, जहां बच्चे अपने आइडियाज को मूर्त रूप प्रदान कर वैज्ञानिक मॉडल बना रहे हैं और उन्हें प्रदर्शित कर रहे हैं। इस योजना के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अक्टूबर को हमने सोलर लैंप बनाई थी, जिसमें हमने देखा कि इसमें हमने बैटरी लगाई थी, स्विच लगाया था, एलईडी लगाई थी और इससे हमने लगभग 40 लैंप बनाई थी। और इसमें जो सोलर एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता। इसमें जो एक सोलर पैनल होता है उसमें मतलब कुछ सेल्स होते जो कि 0.5 वोल्ट के होते। इसमें सिलिकॉन बोरॉन की लेयर होती और जो ये जो सेल है उसमें सोलर एनर्जी मतलब कंसिस्ट हो जाती और फिर उससे हम उसको चार्ज भी कर सकते। और जब जैसे बच्चे जो रात पढ़ते हैं और मान लो लाइट नहीं है तो हम इसकी मदद से रात को भी पढ़ सकते हैं और इससे हमारी घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कंजर्व हो सकती है। सर, हमारा प्रोजेक्ट मेनली स्मार्ट डस्टबिन है। इसमें हमारा ये है कि हमारे देखते हैं कि हमारे इंडिया में भी कितना कचरा होता जा रहा है दिन ब दिन और उसको साफ करने के लिए कोई नहीं आता है। अपन देखते हैं डस्टबिन्स रहते हैं वो ओवरफ्लो करने लगते हैं, कोई देखने ही नहीं आता है। और कभी कभी क्या होता है कि डस्टबिन्स खाली रहते हैं और कचरा गाड़ी वगैरह कुछ भी आ जाती है। इससे क्या होता है कि अपने फ्यूल्स भी इवन बर्बाद हो रहे हैं। पहले क्या था, डस्टबिन ऐसे नहीं बनते थे। हम लोगों ने जब मतलब आर्डिनो है मेन, तो आर्डिनो को जब कंस्ट्रक्ट किया पूरा और इसके सामने अगर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये रहता कि 10 सेंटीमीटर के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये सेंसर रहता है, वो आर्डिनो को मैसेज देता है। आर्डिनो क्या कहता है, सर्वो मोटर को मैसेज देता है और फिर सर्वो मोटर कमांड देती है कि पुल करना है। इसमें हम लोगों ने लैपटॉप से प्रोग्रामिंग करके आर्डिनो में पूरी प्रोग्रामिंग डाली है कि अपन कितने सेकेंड में मतलब बंद होना है, कितने सेकेंड में खुलना है, पूरा इसमें बताया जाता है। बहुत सारे IoT या IT बेस्ड बहुत से प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि आर्डिनो और आर्डिनो की बहुत सी वैरायटीज हैं, आर्डिनो UNO, आर्डिनो मेगा, आर्डिनो नैनो। इससे अपन वेरियस प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ है रेस्पबेरी पाई, जिससे अपन एक छोटा सा कंप्यूटर डेवलप कर सकते हैं बिना किसी काम के। इस रेस्पबेरी पाई एक सबसे अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि आज मॉडर्न एज 21 सेंचुरी जो चल रही है, मॉडर्न एज की सबसे बड़ी डिमांड है IT टेक्नोलॉजी आज डेवलप हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से हमें मॉडर्न एज के लिए कुछ नया कुछ इनोवेटिव चाहिए, जिससे अटल टिंकरिंग लैब में हर प्रकार की इनोवेशन अपन यूज करते हैं। यहाँ पे हर नई प्रकार की बायोमेडिकल किट, हर जो चीज़ कभी हमने सोची भी नहीं थी उससे बढ़ के यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट देखे हैं। ये 3D प्रिंटर, आर्डिनो, जो कभी सोचे नहीं थे कि इतने छोटे छोटे कंप्यूटर बेस्ड कि अपन खुद प्रोग्रामिंग करके अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को चला सकते हैं। हम जो चाहें, हम कमरे में एंटर हो रहे हैं तो लाइट अपने आप ऑन हो जाए, फैन अपने आप, अपन सोफा पर बैठ जाएं तो फैन अपने आप चालू हो जाए, जो सोच सकते थे वो यहाँ पे हमने देखा है करके। लैब में छात्रों को IT, IoT, रोबोटिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, पैरामेडिकल, सॉइल टेस्टिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटर, सोलर लैंप, आर्डिनो, रेसबेरी पाई आदि के बारे में सिखाया जा रहा है। छात्र को किताबी ज्ञान के साथ साथ नवाचार कर नई तकनीक के बारे में जानकारी दी जा रही है। मोटर चलती रहेगी, मोटर पानी में डाल दो चलती रहती, पानी दे देगी और जब इसे मतलब मिट्टी गीली हो गई तो ये अपने आप रुक जाएगी मोटर। जब मिट्टी मॉइस्चर रहेगी तो उसे पानी की जरूरत नहीं है तो अपने आप मोटर बंद हो जाएगी, और जब जरूरत पड़ेगी पानी की तो सेंसर सेंस करके आर्डिनो को कमांड देगा, आर्डिनो मोटर चालू कर देगा। एक रेस्पबेरी हमारे पास है आर्डिनो के साथ साथ, उसे विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामिंग को डेवलप किया गया। जैसे आप बच्चों ने इस प्रकार का प्रोग्राम डेवलप किया था कि आप मोबाइल से उसको कनेक्ट कर लेते हैं और आप चाहें तो मोबाइल का कनेक्ट करने का जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं लाइट को स्विच ऑफ कर सकते हैं। जब बच्चे ने इस प्रकार से उसे प्रोग्रामिंग की कि जैसे घर के अंदर इंटर करता है मोबाइल से उसको ऑन करेगा और आपके घर की लाइट जल जाएगी।
और एक हमारे पास एक है 3D प्रिंटर। बच्चों ने 3D प्रिंटर में विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट को डेवलप किया है, जैसे कि विसिल हो गया, एक आपका मोबाइल स्टैंड हो गया, और विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट को उन्हें इस प्रकार से डिजाइन किया है किस प्रकार से हम उसको 3D फॉर्म में उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अटल टिंकरिंग लैब को खोलने का पर्पज मुख्य रूप से हमारे देश में वैज्ञानिक प्रतिभा को के उन्नयन के लिए है, उनके डेवलपमेंट को के लिए अटल टिंकरिंग लैब का खोला गया है। देश में वैज्ञानिक प्रतिभाओं की पिछले एक दशक से कमी की जा रही थी, नीति आयोग ने इसलिए अटल टिंकरिंग लैब में यह सुविधा उपलब्ध कराई है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इस लैब में साइंटिफिक स्किल का डेवलप करें और देश के लिए एक अच्छे वैज्ञानिक को प्रदान करें। और इसके लिए हम रोबोटिक्स का उपयोग करते हुए, रोबोटिक्स में हम उन चीज़ों का उपयोग करते हैं जो सामान्यतः हमारे क्षेत्रों में अवेलेबल नहीं होती हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोबोटिक्स से लेकर और कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को ऐसे डिवाइस बनाने के लिए उपलब्ध कराते हैं जो कि आगे हमारे आने वाले भविष्य में बच्चों के साथ नए आयाम प्रस्तुत करता है। केंद्र सरकार की यह पहल बच्चों को उपलब्धियों के अनंत आकाश में उड़ने का अच्छा अवसर प्रदान कर रही है। इससे बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए दिशा मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News, भोपाल।